इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाहुबली अतीक अहमद के बेटे की तलाश में लगी हुई है सीबीआई, और इसी कड़ी में लखनऊ प्रयागराज में सीबीआई ने लगातार छापेमारी तेज कर दी है। उमर अहमद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। मामला आपको बता दें, कारोबारी मोहित को अगवा कर देवरिया जेल में पिचाई का ये पूरा मामला है, जिसके बाद उमर पर जबरन कंपनियां ट्रांसफर करने का भी आरोप लगा है। और कई दिनों से अतीक अहमद का बेटा उमर अहमद फरार चल रहा है, जिसके बाद अब सीबीआई की तलाश तेज हो गई है। यानी कि बाहुबली अतीक अहमद के बेटे की लगातार तलाश की जा रही है, और सीबीआई ने लखनऊ और प्रयागराज में छापेमारी की है, जिसके बाद अब ये कार्रवाई और भी तेज कर दी गई है। और उमर अहमद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। पिटाई मामला बताया जा रहा था, मोहित को अगवा किया गया, कारोबारी है मोहित, जिसको अगवा करने के बाद देवरिया जेल में पिटाई का ये पूरा मामला सामने आया था। और अब इसी पूरे मामले में बाहुबली अतीक अहमद के बेटे की तलाश की जा रही है। सीबीआई ने दो जगहों पर अभी जानकारी जो मिली है वो ये है कि लखनऊ और प्रयागराज में ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसके बाद अब ये छापेमारी और भी तेज कर दी गई है। उमर अहमद के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की R9 टीवी आपको बता रहा है, बाहुबली अतीक अहमद जिसके बेटे की तलाश लगातार सीबीआई कर रही है।